मेरी पहली क्रश, जैसे तुम्हारी भी होगी या होगा, लेकिन तुमने कभी उनको प्रपोज करने की हिम्मत नहीं करी होगी, लेकिन मैंने करी है। जब मैंने वो हुस्न की परी को पहली बार देखा तो मेरे मन में गाना एक ही बजा, सली चलती फिरती कोकेन है कोकेन। वो ये तो नहीं बजा। गाने को छोड़ो, लेकिन मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको डायरेक्ट जाके बोलूं, हे स्वीटी आई विथ लव यू, यू यू विथ, सॉरी मुझे इंग्लिश नहीं आती, लेकिन मैं उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकता था। तो मेरा एक दोस्त था बड़वा, वो मुझे बोला, भाई मुझे लड़कियां पटाने का बरसों का तजुर्बा है, मेरे बाप की बहुत सारी माएँ थी, कुल मिला के 124 है। भाई क्या? भाई अब मुझे बहुत सारे बाप है, तुझे मैं टिप्स दूंगा लड़कियां पटाने की। ओ भाई मुझे नहीं चाहिए कोई टिप्स विप्स, मैं देख लूंगा अपना। टिप नंबर वन, तेरी क्रश की दोस्त तेरी दोस्त होनी चाहिए। देखो मेरे दोस्त की बात तो सही थी, लेकिन मैंने सुना था उसकी दोस्त बहुत हरामी है, लेकिन ये भड़वा भी तो हरामी है मेरा, तो बात तो करनी पड़ेगी। तो हम चले गए उसे बात करने। आंटी जी आपकी दोस्त है, मेरा दोस्त दोस्ती करना चाहता है। आंटी किसको बोला रे, सूखे हुए पनीर तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। ये ले विमल, आइंदा से ध्यान रखना। ये सब बकचोदी चली रही थी, लेकिन उतने में मेरी क्रश आ जाती है वहां पे। क्या हो रहा है यहाँ? अब मेरी क्रश को कैसे बताओ कि ये भड़वे ने गिफ्ट में विमल दी है, अगर उसको पता चलेगा फिर तो मेरे लव एंगल कभी चालू ही नहीं होगा। बोल क्या गिफ्ट? मुझे नहीं पता उसमें क्या है। आंटी जी हमने इन मोहतरमा को विमल का बंडल दिया था। जब उसने ये बात बोली मेरी तो फटी, अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं गलत था, असलियत में तो अब फटने वाली है। मुझे भी चाहिए सुबह केसरी, उस दिन मेरी बीड़ी भी पी ली तूने अकेले। भाई मुझे जो कसम से शौक लगा ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरा प्यार से भरोसा उड़ गया था, उड़ गया है, आगे मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। भगवान मुझे माफ करे, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे, सब्सक्राइब करे। बाय।